हेलो व्यूअर्स, आरके लॉ फाउंडेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं विनय अरोदिया एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं ये वीडियो काफी लंबे समय के बाद अपलोड कर रहा हूँ। इसके पीछे कुछ रीजन थे जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही आरके लॉ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरी वीडियो को इतने लंबे समय बाद डालने का बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं खास रीजन था। वो खास रीजन ये था, जब मैं जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास प्रॉपर टाइम होता था, मैं एक दो घंटे निकाल सकता था वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मैं जब प्रैक्टिस में आया तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं, क्योंकि मैं जिस सीनियर के अंडर में था वो मुझसे 12 से 13 घंटे काम करवाता था, यानी कि ऑफिस मैनेज करता था उसका। क्योंकि जिस सीनियर के अंडर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी उसके पास केसेस काफी मात्रा में थे और मैं कम समय में ज्यादा कुछ सीखना चाहता था। तो ये सभी छोटे छोटे कारण थे जिनके कारण मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था कि वीडियो बनाऊं। लेकिन आज मैं खुद 1.5 ईयर में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, मैंने यूपीएससी लीगल एडवाइजर क्रैक किया। जुडिशरी या फिर यूपीएससी क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग चाहो, आप मेहनत करो तो आप भी क्रैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डेडिकेशन बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आपको कई बातें बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ, चंद बातें जो कि आपको जाननी चाहिए। मैंने 2015 में LLB कंप्लीट की। में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और इसी के साथ मैंने LLM में एडमिशन लिया था, जो कि मेरी 2017 में कंप्लीट हुई। लेकिन LLB के बाद से ही मैं जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। अब आप लोगों को मैं बता चाहता हूं, 2017 के बाद मैंने सेशन कोर्ट ज्वाइन किया। पहले वो कब किया था, सितंबर 2018 में। मैंने लगभग 3 से 4 मंथ सेशन कोर्ट में वर्क किया, यानी वहां के केसेस देखे। लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या करता, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, मैं पूरी फाइल को पढ़ता कि किस प्रकार एविडेंस एफिडेविट सबमिट होता है, किस प्रकार क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, किस प्रकार सूट तैयार होता है, किस प्रकार बेल एप्लीकेशन तैयार होती है। और इसी के साथ जहां जहां मुझे प्रॉब्लम आती वही वर्ड मीनिंग मैं अपनी नोटबुक में नोट कर लेता। मेरा सेशन कोर्ट में सफर काफी अच्छा रहा। फिर कभी से ही मेरी तमन्ना थी कि मैं प्रैक्टिस करूं तो सुप्रीम कोर्ट में करूं। इसी के साथ मैंने हाई कोर्ट ज्वाइन किया। फिर उसके बाद में मैंने लगभग 6 से 8 महीनों में हाई कोर्ट प्रैक्टिस की और हाई कोर्ट में मैं कई बार काफी अच्छे केसेस में अपीयर हुआ। और उसके बाद फिर मेरा मन था कि मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचू। मैंने सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी एडवोकेट जनरल
के अंडर प्रैक्टिस शुरू की। वहां पर मुझे काफी अच्छे अच्छे केसेस देखने को मिले, एम नागराजन जैसे केसेस। और वहां जिस दिन से मैंने सुप्रीम कोर्ट में एंट्री की, मैं भूल गया कि मैं सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। जो भी मिलते सबको बोलता सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। और अपनी फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू अपने आप को प्रमोट किया। और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिस में जाते हैं तो कि इतना पैसा नहीं मिलता, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, कि किस किस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में पहुंचे। तो मैंने वहां पर प्रैक्टिस ज्वाइन करने के बाद में काफी अच्छी मेहनत की, केसेस पढ़ता, जजमेंट पढ़ता, ये सब तो मैं सेशन कोर्ट के बाद से ही शुरू कर दिया था। मैंने जजमेंट पढ़ना और पूरी फाइल पढ़ता था मैं कि कहां कैसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन और अपील्स जाती हैं, तो वो अपील्स केवल लो पॉइंट के बेस पर जाती है। तो इसका आप लोगों को अनुभव होना चाहिए कि लो पॉइंट कैसे तैयार किए जाते हैं। और जहां मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते अपनी इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर चुका था, तो जो मेरा माइनस पॉइंट था हिंदी का, उसको मैंने पीछे छोड़ दिया था। ये बातें उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि हिंदी मीडियम के कारण कहीं आगे बढ़ने या कहीं बोलने में थोड़ी झिझक महसूस करते हैं, ये उनके लिए है। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज मेरे पास इतने केसेस हैं जो कि जो एडवोकेट 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके पास केसेस नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो छोटे गांव, शहरों या फिर कस्बों से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय करना चाहते हैं, उनके लिए किस प्रकार पहुंचे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, अगर आप लॉ कंप्लीट करते हैं तो आपके दो रास्ते खुलते हैं, एक जुडिशियल सर्विसेज, दूसरा प्रैक्टिस। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको अगर इंटेलिजेंट है तो 2 साल, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आपको 3 से 4 साल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो सीट इतनी लिमिटेड होती है, उसी के साथ हमारी लॉ पर पकड़ नहीं होती है, क्योंकि एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ स्टूडेंट को ज्यादातर ये तक नहीं पता होता कि पेरेंट क्या होते हैं। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट बेरेक पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेरेक से ही पीटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए दूसरा प्रैक्टिस, जिस दिन आप पास आउट हुए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, अगले दिन आप कोर्ट में जाकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल काम है। जुडिशियल सर्विसेज क्रैक करने के बाद आप प्रैक्टिस में भी आसानी से आ सकते हैं, ये इन दोनों के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए आप बताते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का रास्ता। आपने एलएलबी कर ली, इसके बाद अपना एआईबीई रजिस्ट्रेशन करवाइए, एग्जाम क्रैक कीजिए। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, ओपन बुक एग्जाम होता है, बुक ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बुक ले जाने की
जरूरत है, क्योंकि 3 घंटे मिलते हैं। अगर आप लोगों को नॉलेज है तो इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, आप खूब आराम से ढूंढकर उनका आंसर दे सकते हैं। अगर आप बुक ले जाएंगे तो ढूंढने में आपका टाइम खराब होगा, क्वेश्चंस बेरेक में ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपने बेरेक पढ़े हैं तो यू कैन सर्च इजीली, अगर आपने नहीं पढ़े तो ढूंढते रह जाएंगे, पर नहीं पढ़ते रह जाएंगे। इसके लिए स्पेशल कोई बुक की जरूरत नहीं है, ओनली लिमिटेड सेक्शन पढ़िए, वहीं से जुडिशियल सर्विसेज के बारे में या फिर AIIB के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका AIIB क्लियर हो गया, अब आप एडवोकेट बन चुके, किसी भी हाई कोर्ट की मेंबरशिप ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होता है, मेंबरशिप अलग होती है, ठीक है। अब आप शुरुआत कीजिए सेशन कोर्ट से, कम से कम आप 8 महीनों से 12 महीने सेशन कोर्ट में दीजिए। वहां पे आपको पता लगेगा कि कैसे कोर्ट में अपीयर होते हैं, कैसे एविडेंस कराई जाती है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, कैसे एग्जिबिट डलते हैं, कैसे सूट फाइल होते हैं, कैसे बेल एप्लीकेशन तैयार होती है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना है तो ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव करो, ड्राफ्टिंग स्किल बिना वोकैबुलरी के, बिना ग्रामर के आप नहीं कर सकते। बोलना एक अलग बात होती है लेकिन लिखना अलग बात नहीं होती, लिखना एक अलग चीज होती है। आपको ग्रामर की नॉलेज है, आपका वोकैबुलरी है, यू कैन ड्राफ्ट एनी सूट और एनी बेल एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, आप इन 8 से 12 महीनों में सेशन कोर्ट की प्रक्रिया को समझ जाएंगे। उसके बाद में आप पहुंचिए हाई कोर्ट। जिस दिन से आप हाई कोर्ट पहुंच गए उस दिन से सेशन कोर्ट को अपने जहन में याद रखिए, और उस दिन के बाद से कहीं भी किसी भी सज्जन, किसी भी दोस्त, किसी भी रिश्तेदार से अगर आप मिलते हैं तो कहिए हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वहां से आप लोगों का रास्ता बदलने वाला है, क्योंकि सेशन कोर्ट में बहुत प्रैक्टिस करते हैं बट हाई कोर्ट में बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। खूब नए लड़के लोग ग्रेजुएट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं लेकिन वापस नीचे जाते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल नॉलेज कि आप कैसे पहुंच जाओगे, कैसे कोर्ट में अपील हो जाओगे। सेशन कोर्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। तो आप यहां 8 से 12 महीने लगाने के बाद कम से 6 से 7 महीने या फिर 1 साल हाईकोर्ट में लगाइए, किसी भी हाईकोर्ट में। अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं, 100 या 150 किलोमीटर के आसपास के हैं, तो मैं तो कहूंगा कि आप दिल्ली में ही जाकर कोई भी सेशन कोर्ट ज्वाइन करिए। 30,000 कड़कड़डूमा, द्वारका, पटियाला हाउस, रोहिणी, कोई भी सेशन कोर्ट ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको वहां से हाई कोर्ट विजिट करने का मौका मिलेगा। हाई कोर्ट विजिट करोगे, कभी घूमते फिरते चले गए, वहां की हीरिंग सुनिए। मैं तो यही करता था, मैं कभी भी हाई कोर्ट चला जाता था, सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, वहां बैठ के आराम से पूरा पूरा दिन भर हीरिंग सुनता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और सेशन कोर्ट के साथ साथ आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कीजिए, स्पोकन इंग्लिश इंक्रीज कीजिए, स्पोकन फ्लुएंटली कीजिए। तो यहां पर आप 6 से 7 महीने या फिर 1 साल लगाओगे तो आपको हाई कोर्ट का पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा। अगर आप दिल्ली में है तो ये 6 से 7 महीने प्लस या फिर 1 साल आप सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ लगा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों शायद 700 या 800 मीटर की डिस्टेंस पर है। हाई कोर्ट जाए, उस दिन सुप्रीम कोर्ट विजिट कर ले, एक दो केस की हीरिंग सुन ले। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप 1 साल यहां लगाने के बाद हाई कोर्ट में मंथ में 1 बार सुप्रीम कोर्ट विजिट कीजिए, और आपका जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है
आप हाई कोर्ट में अपील होना अच्छे से सीख जाएंगे। फिर इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस लेने शुरू कर दीजिए। आप विजिट करोगे, आप क्लाइंट से मिलोगे, अपने आप को प्रमोट करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, काफी सोशल साइट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं अपने आप को हाई कोर्ट क्रॉस करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट दिखता था हर जगह। मैंने सुप्रीम कोर्ट की मेंबरशिप भी ली और इसी के थ्रू मैं अपने आप को प्रमोट करता था, क्योंकि हम कोई ऐड तो कर ही नहीं सकते। ये था मेरा सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का रास्ता और यही इसी के थ्रू आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। और कोई सीनियर ज्वाइन के लिए जो आपको सिखाए, ना कि आपको पैसा दे। पैसे देने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। मेरे साथ हुआ कुछ, मैंने कई सीनियर छोड़े, कई ज्वाइन किए, जो मेरे को अच्छा लगा, जो मेरे को सिखाता मैं वो ज्वाइन करता। मिडिल क्लास फैमिली में प्रैक्टिस करते हैं तो काफी प्रॉब्लम आती है कि लॉ करने के बाद आप तैयारी भी कर लोगे, अब उसके बाद में क्या करोगे, साल दो साल लगा दोगे, आपका सिलेक्शन हो गया तो बेस्ट है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे, फिर प्रैक्टिस में आना होगा और प्रैक्टिस टाइम मांगती है। स्किल्स है तो आप अपने आप हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद में फिर आप सुप्रीम कोर्ट इजी वे में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आप चैंबर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कई कैंटीन्स है, वहां पर अपने क्लाइंट डील कीजिए। क्लाइंट के लिए अलग अलग रूम है, वेटिंग रूम बोलते हैं जिनको, वो लीजिए रेंट पर, 50 रुपए घंटे के हिसाब से रूम अवेलेबल है, अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कीजिए। तो आप ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू कर सकते हैं। अगर आपने ठान ही लिया है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस में नहीं आना, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो आपको कम से कम 2 साल तो देनी ही पड़ेगी और उसके लिए पूरे बैरक कभी मत पढ़ना। उसके लिए लिमिटेड सेक्शन, मैंने एक वीडियो बनाई थी हरियाणा एडीए पर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर, मेरी उस 23 मिनट की वीडियो में से लगभग 80% क्वेश्चन कवर हुए थे, लेकिन समय का तकाजा था, मेरी प्रैक्टिस धीरे धीरे अच्छी चलने लग गई, टाइम कम रहता था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब अपने आप को मोटिवेट किया दोबारा से, नहीं मुझे कुछ और करना चाहिए, तो मैं इस फील्ड में दोबारा से एंट्री की, क्योंकि प्रैक्टिस एक अलग चीज है, टीचिंग अलग चीज है, जुडिशियल सर्विसेज अलग चीज है, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों कोई भी एलएलबी का स्टूडेंट अभी से ही सोच रहा है मुझे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो अपने लो पॉइंट पर पकड़ बनाए, बेरेक अच्छे से याद करें, सेक्शन पर कमांड रखें, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जूरिस्प्रूडेंस तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब मैं इस वीडियो के बाद कोई भी एक सब्जेक्ट शुरू करना चाहता हूं नए तरीके से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, पहले उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है इसके अनुसार, और फिर हम उस सब्जेक्ट को डे बाय डे कंप्लीट करेंगे। अगर इसके अलावा आप ही कोई और प्रॉब्लम या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9079363935। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे
इवनिंग टाइम में 5 बजे बाद कॉल कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और कुछ अलग से जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और साथ ही मेरे YouTube चैनल आरके लॉ फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अगली वीडियो में फिर से हाजिर हूँ आपके सामने।